कहा कि तुम अपने पास जरूर रखो। जी मुझे ये बताएं कि आज आपने कहा कि मैंने हाजा सरा को भी नहीं छोड़ा, मैंने उससे भी शादी की है। मैं शर्मा, मैंने ये नहीं कहा। माशाल्लाह मुफ्ती साहब तैयार हो रहे हैं शो के लिए। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मैं ताकि जवान नजर आऊं। मुफ्ती साहब आप तो वैसे भी क्या हैं, नौजवान। मुफ्ती साहब ने क्या कमाल का डांस किया था, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आप बहुत अच्छे डांसर हैं, इतना जबरदस्त शाइनी के साथ, और माशाल्लाह क्या आपके डुमके, बेबी तेरे डुमके, कान के झुमके। मैंने आज तक डांस नहीं किया मुफ्ती साहब, वो वाला आपने किया था ना। मेरा वो लिबास है ना, वो मेरा जिस्म है। अभी चले मैं आपके लिबास से कर दी, सेम गला था, सेम शक्ल थी, सेम वो शक्ल तो मेरी थी, वो तो मैंने माना है। तो नीचे से कौन था बंदर? नीचे से जो था। हो गई कोल्ड ब्लड दस दे, हो गई कॉस्टेस किला कहंदे ने, हो जदो किते वारदात हुंदी है लोक च दुमूसे वाला नाम लैंदे ने, हो गई पोएट की पापी आगदे हो थाऊ कहंदा है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, और थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लें, थोड़ी सी हल्की सी मुफ्ती साहब लगा लो, वो लगाओ बल्कि पैसे नहीं लगा दो। मुफ्ती साहब ये आपके बाल कैसे गिरे? मेरे बच्चे ये इल्म और तकी की वजह से गिरे हैं। तुम मेरी किताबें पढ़ो ना, तुम तो माशाल्लाह आलमा हो। मैं आलमा नहीं हूँ, आपको किसने कहा? मैं कंपेरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट हूँ। आलम और होते, आलम होते हैं जो मदारस में पढ़ते हैं। पाँच साल मदरसे में पढ़ा है। मुफ्ती साहब आपको मैंने ये कब बोले? अल्लाह हू अकबर, ये बात तो मैंने आपसे नहीं बोली। मुफ्ती साहब लिपस्टिक लगा लें, थोड़ा सा रेड कर लें। नहीं नहीं कोई नहीं, ये बात नहीं काफी। अच्छा ये बताओ कितने साल मदरसों में पढ़ा है? मैंने मदारस से नहीं पढ़ा, मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एमएस वो की है, मास्टर की है, और साथ में मैंने अलहुदा इंटरनेशनल से कंपेरेटिव रिलीजन की है, और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मैं एमफिल कर रही हूँ। तो ये सारा मिला तो कितने साल हो गए? ये मदरसे का वो नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह अभी मैं मदारस। बिलो बगे बिले आंदा की करेंगी नी, मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो, हो काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो, काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कहा जा रहा है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो हैं वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, और अब आप बताइए कि नेक्स्ट प्लान हम उनके लिए पागल खाने का करें या रिहैब सेंटर का करें, इनमें से कौन सी जगह उनके लिए बेहतर होगी? क्योंकि घर में अगर रहेंगे तो फिर वो अपने साथ बाकी तमाम लोगों के लिए भी नुकसानदेह है, नुकसान का बाइस है। तो पागल खाने की दो ही जगह होती है, या पागल खाना या रिहैब सेंटर, जैसे कि हमारे और तो वो बफे वाला जो पागल नहीं नहीं मेरी बात सुनने, जैसे तमाम पागल एक पागल खाने के अंदर मुकीम है, ऐसे मुफ्ती अब्दुल कवी को भी उन्ही पागलों के साथ रखा जाए। हमारी अपील है उनकी फैमिली से, खुदारा के आपने कंसिडर कर लिया उनको पागल, तो अब हम आपसे अपील करते हैं कि उनको जल्द अज जल्द पागल खाने भिजवा दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बिल्लो बगे बिल्ले आंदा की करेंगी नी, मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो, हो काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो, काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। सचरा गुरु मुक्त वाले पटे तुझ बेहरा।